तुम बहुत चालाक हो। नहीं, चलाक होता तो इस तरह बेबस ना होता। बेबस बेबस होता तो शांजे को अपने बस में ना करते ही हो। बस में तो शांजे ने मुझे किया। दीवानी है वो तुम्हारी, और दीवानों का फुट पे बस नहीं चलता। क्या बात है, बहुत बदली बदली लग रही है आज। कैसी? वैसी लग रही जैसे तुम हमेशा से चाहते थे मुझे। हमारी नजरों के सामने बेबस, आओ अंदर आओ, मम्मी से मिलो। काफी दिन से तुम्हें याद कर रही थी। चल कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उसने किसी का मोहताज नहीं किया। रमशा से बात होती रहती है? आज सुबह ही हुई थी। ठीक है, अपने घर में खुश है? तुम बताओ, ससुराल में सब खैरियत है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी साथ ले आते, इसको तो बताकर आया ही नहीं होगा। वैसे नजर तो रखती होगी तुम्हारे आने जाने पे। नहीं, ऐसी फजूल बातें कर रही हो सजीला। क्या ओके, अम्मी मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर तुम उसको बताकर आते तो आने तो नहीं देती वो तुम्हें यहाँ पे। मेरा ख्याल है मुझे रोकती भी ना। हाँ तो और क्या, इस घर से खून का रिश्ता है तुम्हारा। आइंदा आओ बेटा तो उसको साथ लेकर आना। जी जरूर। अगर वो आने से इनकार कर दे तुम्हें पूरी इजाजत है यहाँ आने की। शानी ये लो ना, इधर तुम्हें बहुत पसंद है। फूफो कैसी हैं? बात बात होती है, मुलाकात होती है, या बीवी के ही बन के रह गए? होती है बात। हाँ बेटा, उनका ख्याल रखा करो। माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, भले उनसे दूर ही रहो। जी मामी, एहसास है मुझे इस बात। अम्मी मैं सोबिया की तरफ जाऊं? क्यों, अचानक से वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? कॉल आई थी उसकी। शानी छोड़ दोगे मुझे प्लीज? अरे उसे सुकून से चाय तो पीने दो। हाँ तो मैंने उसे कंधे पे कौन सी गन रख दी है? पियो पियो, आराम से पियो साहबजादे, तुम्हारे लिए ही बनाई है मैंने।